आज की कहानी में हम देखेंगे पैसा कमाने के लिए लोग मेडिकल लाइन का फायदा किस तरीके से उठाते हैं। कहानी के स्टार्ट होते ही हम कोरी और जेफरी नाम के दो भाइयों को देखते हैं। इन दोनों भाइयों ने सभी हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर को हैक करके रखा हुआ था। अब जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है तो वो कॉल इन लोगों के पास आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कपल इंटीमेट हो रहा था, तभी अचानक से उस लड़की के हाथ में चाकू घुस जाता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है। कुछ टाइम के बाद ही दोनों भाई एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और लड़की को ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस में ले जाने लगते हैं, लेकिन वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को अपनी पॉलिसी का बहाना बनाते हुए नहीं आने देते। फिर एम्बुलेंस के अंदर जेफरी लड़की से हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देता है। फिर दोनों भाई उसे सीक्रेट लोकेशन पर लाकर उसकी सर्जरी करते हैं और उसके सारे ऑर्गन को एक डॉक्टर के पास बेच देते हैं। एक्चुअल में दोनों भाई ब्लैक मार्केट में लोगों के ऑर्गन्स निकालकर बेचने का काम करते हैं और इस काम से ये दोनों मोटा पैसा कमा रहे थे। इसके बाद जेफरी उस लड़की के मोबाइल से उसके सोशल मीडिया अकाउंट में ये स्टोरी डाल देता है कि वो इस कंट्री को छोड़कर काफी दूर जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं जेफरी एक छोटे बच्चे की तरह मासूम था, जिसे उसका दूसरा भाई कोरी उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सिंडी नाम की लड़की अपनी फ्रेंड के साथ जंगल में घूम रही थी। अचानक से उसके पैर में पत्थर से चोट लग जाती है। ये भी लोग इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। कुछ टाइम के बाद कोरी और जेफरी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर ये दोनों भाई सिंडी के फ्रेंड्स को छोड़कर उसे अपनी एम्बुलेंस में बिठा लेते हैं। जेफरी उससे भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर उसे एनेस्थीसिया दे देता है। फिर लोकेशन पर लाकर सर्जरी करते टाइम कोरी सिंडी को देखकर उसकी सर्जरी नहीं कर पाता। जेफरी भी उसे कुछ समय के बाद सर्जरी करने के लिए सुला देता है। कोरी भी उसकी बात मान जाता है। जब सिंडी होश में आती है तब वो खुद को नेकेट पाती है। यहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे को भी नोटिस करती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। इसके बाद वो वहीं पर पड़े हुए कपड़ों को पहन लेती है। तभी वहाँ पर कोरी खाना लेकर आता है लेकिन सिंडी खाना फेंक देती है। ये देखकर कोरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन वो कोरी के फेस पर लात मारकर उसे हटा देती है। फिर कोरी उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जेफरी वहां पर आकर सिंडी के घाव को साफ करने लगता है। तभी अचानक से सिंडी जाग जाती है और जेफरी को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जेफरी उसे समझाता है, मैं सिर्फ तुम्हारे घाव को साफ कर रहा था, लेकिन सिंडी उस पर गुस्सा करके उसे वहां से भगा देती है। जेफरी के जाने के बाद सिंडी जमीन पर पड़ा हुआ खाना खाने लगती है। सीसीटीवी में कोरी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। कुछ टाइम के बाद कोरी सिंडी का पैर देखने के लिए आता है लेकिन वो और बुरी तरीके से उसके पैर को डिसलोकेट कर देता है, जिससे सिंडी यहाँ से भाग ना सके। सिंडी को काफी पेन हो रहा था। फिर कोरी उससे एक डील करता है, अगर वो उसकी सारी बात मानेगी तो वो उसे ये पेन किलर दे देगा। सिंडी उसकी बात मान लेती है। फिर कोरी उसे पेन किलर दे देता है लेकिन वो पेन किलर नहीं होती, बेहोशी की दवाई होती है जिसे पीने के बाद सिंडी बेहोश हो जाती है। फिर होश में आने के बाद वो देखती है कोरी उसका रेप कर रहा था, लेकिन सिंडी में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे दूर हटा सके। फिर वो हार मान लेती है और कोरी उसका रेप करता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं जेफरी एक फोटो देखता है जिसमें एक लड़की सिंडी की तरह दिख रही थी। फिर कोरी जेफरी के पास आकर उसे समझाने लगता है। इसके बाद कोरी सिंडी के लिए खाना लेकर जाता है। तभी दोनों के बीच ह्यूमन ऑर्गन को लेकर बातें होने लगती हैं। कोरी के हिसाब से वो इस बिजनेस से लोगों की जान बचा रहा है। तभी सिंडी कोरी को चैलेंज करती है कि वो उसके भाई को उसके खिलाफ कर देगी। कोरी उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं जब सिंडी कपड़े बदल रही थी तब जेफरी रूम में खाना लेकर आता है, लेकिन वो सिंडी को नेकेड देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी सिंडी उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है लेकिन जेफरी वहां से भाग जाता है। तभी सिंडी सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखती है। दूसरी तरफ कोरी ये सब देख रहा था लेकिन जेफरी की लॉयल्टी चेक करने के लिए वो उसे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं जेफरी अपने बेड पर सिंडी के बारे में सोच रहा था। फिर अगली सुबह कोरी देखता है जेफरी सिंडी के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बना रहा है। ये सब देखकर कोरी जेफरी से कहता है वो जल्दी ही सिंडी की सर्जरी करने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद जेफरी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कोरी खुद ही सिंडी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। फिर सिंडी से कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सिंडी उसे सभी सवालों के जवाब दे देती है। इसके बाद कोरी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद जेफरी वहां पर आता है। फिर सिंडी उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सिंडी को क्लोज आता हुआ देखकर कोरी जेफरी को समझाने लगता है, सिंडी यहां से बाहर निकलने में तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जेफरी कोरी की बातों का यकीन नहीं करता और कोरी से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि जेफरी नहीं चाहता था उनकी बहन की तरह सिंडी भी मर जाए। फिर कोरी काफी टाइम समझाकर जेफरी को शांत कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं सिंडी और जेफरी एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे थे। फिर जेफरी सिंडी को अपनी बहन के
के बारे में बताने लगता है। उनके पेरेंट्स के जाने के बाद वो तीनों एक साथ रहते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद कोरी दूसरी लड़कियों को घर पर लाने लगा और उनकी बहन डिप्रेशन में चली गई और उसकी मौत हो गई। सिंडी भी उनकी बहन की तरह दिखाई देती है, इसीलिए उन दोनों ने सिंडी को अभी तक नहीं मारा है। तभी कोरी वहाँ पर आकर जेफरी को किसी काम के लिए ले जाता है। तभी कुछ टाइम के बाद दोनों भाई अपने साथ एक बेहोश लड़का लाते हैं। फिर कोरी सिंडी को एक कोने पर बांध देता है और लड़के के होश में आने के बाद जिंदा ही उसकी सर्जरी करने लगता है। सिंडी बार बार उन्हें ये सब करने से मना कर रही थी, लेकिन वो लोग उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद उसी के सामने लड़का तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर वो लोग अपना काम खत्म करने के बाद कोरी सिंडी से कहता है अब वो हर सर्जरी को उसके सामने ही करेगा। कुछ टाइम के बाद जेफरी सिंडी के लिए खाना लेकर आता है। तभी सिंडी जेफरी को अपने साथ भगाने के लिए मना लेती है। सिंडी के प्यार में जेफरी उसकी सारी बातें मान रहा था। दूसरी तरफ सीसीटीवी में ये सब देखकर कोरी को बहुत गुस्सा आता है और वो जेफरी को कुछ सामान लेने के लिए मार्केट भेज देता है। इसके बाद कोरी सिंडी के पास आता है और उसे बताता है उसने ही अपनी बहन को जहर देकर मार डाला था। ये सुनने के बाद सिंडी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर कोरी एक गैस रिलीज करता है जिससे सिंडी बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो सिंडी के होंठ और उसकी गुफा को सिल देता है। जब जेफरी वापस आता है तब वो सिंडी की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी कोरी उसे समझाने लगता है। सिंडी उसे बातों में फंसा रही है। गुस्से में आकर जेफरी कोरी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी सिंडी भी होश में आ जाती है और वो जेफरी को सिलेंडर उठाकर मारती है जिससे जेफरी बेहोश हो जाता है। फिर सिंडी यहाँ से भाग जाती है। कुछ टाइम के बाद दोनों भाई होश में आते हैं। जेफरी रोने लगता है और कोरी जेफरी को समझा बुझाकर शांत करता है। कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों के पास एक लड़की का कॉल आता है। जब वो दोनों उस लोकेशन पर जाते हैं तभी वो लड़की और उसके फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक शॉक देकर दोनों भाइयों को बेहोश कर देती है। ये लड़की कोई और नहीं सिंडी और उसके फ्रेंड होते हैं। फिर वो लोग दोनों भाइयों को उनकी ही लोकेशन पर लेकर आते हैं। होश में आने के बाद कोरी देखता है उनकी ही लोकेशन पर उसे और जेफरी को बांध कर रखा गया है। इसके बाद कोरी सिंडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाई को छोड़ दे, लेकिन सिंडी ने तो कभी उसे प्यार किया ही नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं सिंडी अपने साथ में कुछ कसाई लोगों को भी लेकर आई थी जिससे वो जेफरी के सामने ही कोरी का कीमा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं तभी वहां पर ऑर्गन्स लेने के लिए डीलर आता है जो सिंडी को ऑर्गन के बदले काफी सारे पैसे ऑफर करता है। सिंडी उस डीलर को वहीं पर कुछ टाइम रुकने के लिए कहती है और अंदर आकर कोरी के ऑर्गन निकालकर उस डीलर को पैसों के बदले में दे देती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।